नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो दोस्तों हल्का हल्का धूप भी है और थोड़ा मतलब हवा भी चल रहा है। तो इसके बीच में मैं आज मतलब आपके सामने जो है ये 3 जो पॉट है प्लांटेशन के लिए, जो कटिंग्स लगाने के लिए मैंने 3 पॉट जो है रेडी किया। तो दोस्तों क्या क्या प्लांटेशन करना है, क्या क्या कटिंग्स लगाना है, उसको मैं अभी बताऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये जो वीडियो है आपको देखने के बाद अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है अगर आप नए विजिटर्स हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो दिखाता हूँ कौन सा जो प्लांट है मैंने आज जो वो आपके आपको मतलब ये प्लांटेशन और ये कटिंग्स लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, पहले जो है मैं बताऊँगा ये जो प्लांट्स है ये डेकोरेटिव आउटडोर प्लांट्स है। तो इसके लिए मैं जो है आज कलेक्शन किया मेरा दोस्तों के गार्डन से। तो दोस्तों ये जो है मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये पानी में डाल के रखा, ये देखिए ये जो है प्लांट्स, ये डेकोरेटिव प्लांट्स आउटडोर के लिए है। तो दोस्तों ये तो एक का ही नाम पता है, बाकी दोनों का तो मतलब अभी तक पता नहीं चला मुझे नाम। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो दोस्तों ये देखिए, ये पहला जो है, ये पहला वाला जो मैंने पकड़ के रखा ये है कुलियस। ये कुलियस जो है, आप कुलियस के बारे में मैं पूरा जानकारी दूँगा। दोस्तों दूसरा जो है ये देखिए, ये लाल भाजी जैसा है, लेकिन ये प्लांट्स जो है मैंने देखा ये बड़ा प्लांट्स है, ये करीबन 7-8 फीट का भी उससे मतलब ऊंचा लंबा जो है ये प्लांट्स है मैंने देखा, जहाँ से मतलब ये कटिंग्स जो लेके आया है। तो दोस्तों दूसरा जो है इसका, ये देखिए लाल भाजी जैसा ही है लगता है, लेकिन ये पत्ता बहुत मतलब जो प्लांट्स मैंने देखा बहुत ही मतलब बुशी प्लांट्स था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको भी कलेक्ट किया एक कटिंग्स। तीसरा जो है दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल मतलब ये प्लास्टिक का पत्ता जैसा, प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक से तैयार किया हुआ पत्ता, मतलब हार्डी है और बिल्कुल जो है प्लास्टिक जैसा ही लग रहा है। तो दोस्तों इसका देखिए कितना अच्छा ये जो है पत्ते का रंग, और ये जो जैसे मार्बल टाइप इसका जो ये डिज़ाइन है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो देखिए दोस्तों ये भी मतलब क्या है, इसका भी कटिंग से लिया। तो चलिए पहले तो जो है इसको प्लांटेशन के पहले मैं एक ये जो है कुलियस के बारे में बताऊंगा। ये कुलियस के बारे में, ये कुलियस बहुत वैरायटीज़ का है। ये तो जैसे आप देख रहे हैं इसका पत्ते का कलर, ये थोड़ा सा ब्राउन के साथ ग्रीनिश है, लेकिन दोस्तों इसका जो बहुत वैरायटीज़ जैसे रेड है, डार्क रेड है, ग्रीन है, ग्रीन के साथ रेड है, तो देन येलो भी है, थोड़ा हल्का येलो भी है, तो इसका बहुत वैरायटीज़ है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसका जो सॉयल है ये गार्डन सॉयल, नॉर्मल सॉयल में ये ग्रो हो जाता है, और इसको प्रोपागेशन जो है दोस्तों ये कटिंग से भी मतलब पानी में भी आप कटिंग ये डाल देंगे तो भी मतलब ये इसका जो है ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ये मतलब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ये ग्रो होता है, और 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक मतलब आप इसमें टेम्परेचर में ये मतलब ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो नाम कुलियस है, ये बहुत ही वैरायटीज़ है, वैरायटीज़ में इसमें मतलब बहुत बहुत सुंदर लगता है, और लाल वैरायटीज़ जो है मैंने तो देखा बहुत ही मतलब कहना प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं भी उसका ये करूँगा प्लांटेशन का, मतलब उसको भी प्लांटेशन करूँगा। तो दोस्तों ये जो है ये कुलियस जो है ये मतलब शेडी पार्शियल शेडी एरिया में अच्छा रहता है, धूप मतलब थोड़ा बहुत इसको मिले तो भी चलेगा, और पार्शियल शेडी एरिया में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सॉइल जो है ये मॉइस्चर बने रहना चाहिए सॉइल में, तो और वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए, और मिट्टी में थोड़ा फर्टाइल मतलब जो है ये फर्टिलाइज़र थोड़ा सा होना चाहिए, जो कि मतलब इसके ग्रोइंग के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये मैं एक एक करके प्लांटेशन कर एक एक करके मतलब इसको जो है कटिंग्स को लगाऊंगा। आप ये देखिए, पहले जो है मैंने इसके लिए जो है मैं छोटा पॉट जो है इसके लिए ये पॉट में मतलब डालने के लिए मैंने ये रेडी किया। दूसरा जो ये बड़ा वाला जो है इसको इस पॉट में डालने के लिए ये पॉट रेडी किया। और तीसरा जो है दोस्तों इसको डालने के लिए देखिए ये पत्ता कितना अच्छा लग रहा है, और ये पॉट में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये पॉट में जो है ये जो
सीमेंट वाला पॉट है, ये मैंने ही तैयार किया, तो इसमें डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा लग रहा है ये। तो दोस्तों ये तीनों के लिए मैंने जो सॉयल तैयार किया ये वेल्डेंट सॉयल है। इसमें गार्डन सॉयल, सैंड, कोकोपीट, थोड़ा नीम खोल एंड कंपोस्ट डाल के ये जो सॉयल है ये तैयार किया। तो गार्डन सॉयल जो है 40% गार्डन सॉयल है, 20% जो है कंपोस्ट है, 20% जो है सैंड है और 10% जो है कोकोपीट है, साथ में थोड़ा नीम खोल और बोन मिल थोड़ा सा डाल दिया। तो ये दोस्तों अभी जो है एक एक करके मैं इसमें ये जो कटिंग्स है इसको लगा दूंगा। तो दोस्तों जो है मैं थोड़ा सा आज इसको ये जो आप देख रहे हैं ये एलोवेरा थोड़ा सा कटिंग्स मैंने कट करके लिया, ये एलोवेरा जेल जो है इसको थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन के तौर पे मैं यूज़ करूँगा, ताकि ऐसे कोई ज़रूरत नहीं था। ये जो है एक अच्छा रूटिंग हार्मोन है, तो इसको मैं आज यूज़ करूँगा थोड़ा। तो ये फर्स्ट जो है दोस्तों ये जो कोलियस जो है इसको मैं डाल दूँगा, ये छोटे वाला इसमें। तो थोड़ा इसको उंगली से थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे तो देखिए ये ज़रा इसको ज़रा रूटिंग हार्मोन ये एलोवेरा जेल थोड़ा सा इसको लगा देते हैं। तो ये अच्छा रूटिंग हार्मोन है, तो नेचुरल रूटिंग हार्मोन है ये। तो इसके अंदर थोड़ा डाल देता हूँ दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा इसको गाड़ देता हूँ इसके अंदर बस, और चारों तरफ से जो है मिट्टी को इसको डाल देता हूँ। तो ये तीनों लगा दिया दोस्तों कटिंग्स जो है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये भी कितना अच्छा लग रहा है देखिए। तो ये इसको अभी वाटरिंग कर देंगे दोस्तों। तो ये जो प्लांट्स है दोस्तों कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा, और इसका नाम भी अगर आपको पता है तो फिर प्लीज़ मतलब इसका नाम भी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसको अभी वाटरिंग कर देता हूँ। ये वाला जो है ये कुलियस मतलब इस पॉट में ग्रो जब हो जाएगा ये रूट्स निकल जाएगा तो इसको ये रिपोर्टिंग कर देंगे, और इसी ये दोनों को इसी में रहने देंगे। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा मतलब कहना ये अगर ग्रो हो जाएगा अच्छी तरह तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखिए तो कैसे लग रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए विजिटर्स हैं। तो दोस्तों साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको साथ साथ देख सकते हैं, मतलब तुरंत देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।